नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस व्लॉग के एक धमाकेदार नए वीडियो में। आज हम आए हैं टाटा के एक डीलरशिप में और हम आपको रिव्यू करने वाले हैं नेक्सॉन के XZ प्लस HS मॉडल का। और ये जो मॉडल है भाई, ये सबसे ख़ास इसलिए बन जाता है क्योंकि 5 स्टार क्रैश रेटिंग के साथ में आता है। ये आपके परिवार की सेफ्टी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये गाड़ी आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाती है। बात करें अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये 11 लाख से शुरू हो जाती है और इसके लगभग 70 वेरिएंट्स भाई साहब आते हैं। डीजल, पेट्रोल और ईवी को मिलाकर 70 वेरिएंट, तभी भाई इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा मांग है। 3 लाख से ज़्यादा इसके अभी तक पीस बिक चुके हैं और अभी भी गिनती जारी है। कौन कहता है कि टाटा की गाड़ियाँ नहीं बिकती है भाई, टाटा के चाहने वाले हमेशा बरकरार रहेंगे और गाड़ियाँ ऐसे ही बिकती रहेंगी। ये टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल है और इसमें आपको कई सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जिसमें टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रैश सेंसर, EBD, ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एयरबैग 2 मिल जाते हैं आपको। बात करें अगर माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 17.53 का माइलेज, आपको आराम से 16 का ये गाड़ी दे देती है। अगर बात करें डीजल के एवरेज की, तो 21 पॉइंट कंपनी क्लेम करती है और आपको ये 19-20 के आसपास में आराम से एवरेज दे देगी। इसके तीनों ही मॉडल ईवी, पेट्रोल और डीजल बहुत ही स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के साथ में आते हैं, जो आपकी फैमिली को भी सेफ रखते हैं और आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ, बात करते हैं गाड़ी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्रोम की लाइनिंग और आगे की तरफ पोर्शन में आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो। बात करें लाइटिंग की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प और नीचे की तरफ मिल जाएंगे DRL। बात करें अगर फॉग लैम्प की, तो आपको मिल जाएंगे हेलोजन में। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो चलकर देखते हैं कि ORVM आपको देके रखे हैं ब्लैक कलर में, क्योंकि डुअल टोन में है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। बात अगर करें टायर प्रोफाइल की, तो वो आपको मिल जाती है 215/16 R16 की। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको डायमंड कट के एलॉय व्हील, जो डुअल टोन के साथ आते हैं टाटा की बैजिंग के साथ में। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर में क्लैडिंग प्लास्टिक की, और यहाँ पर देखिए पूरी साइड प्रोफाइल भाई क्या लगती है ये गाड़ी। वास्तव में आप नज़दीक से देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ देख लीजिए, ये जो है रूफ रेल मिल जाएगी आपको सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगती है। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको दिया गया है एक छोटा सा स्पॉयलर। अब पीछे से भाई इसका लुक देखिए, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकल फॉर वोकल की बैजिंग, यहाँ पर एक LED लाइट मिल जाएगी आपको। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग कैमरा, और यहाँ पर मिल जाती है आपको नेक्सॉन की बैजिंग। अगर आते हैं और नीचे की तरफ, तो दोनों ही तरफ आपको दे के रखे हैं इंडिकेटर, और यहाँ पर मिल जाएंगे 3 पार्किंग सेंसर और ट्राई एरो की डिज़ाइन। टाटा की गाड़ियों में हर जगह आपको ये ट्राई एरो की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ नीचे की तरफ एक लाइट के लिए जगह दे के रखी है, पंच में आती है पर इसमें तो नहीं देखने को मिली। ये देखिए साहब, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm की। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको दे के रखी है लाइट्स और ये पूरी आती है ट्राई एरो डिज़ाइन के साथ में। फिर से आते हैं भाई पीछे की तरफ, और पीछे से इस गाड़ी का लुक देखिए, बहुत शानदार लगती है भाई ये गाड़ी। यहाँ पर आपको दे के रखा है एक वाइपर और साथ में ही आपको दे के रखा है डीफॉगर, तो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। आगे की तरफ बॉडी कलर के हैंडल्स मिल जाते हैं आपको, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, चाबी लगाने की भी जगह मिल जाती है, आप इसको डोर को खोल सकते हो चाबी के साथ में। नीचे की तरफ देखिए आप, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं भी गाड़ी ये अटकती नहीं है। तो भाई हमारे यहाँ तो इसको कहा जाता है टैंक और हाथी। आप देखिए इतनी मजबूत गाड़ी, इतने बढ़िया सेफ्टी फीचर के साथ में बहुत ही शानदार गाड़ी ये निकाली है टाटा ने, और बहुत ज़्यादा बिकती भी है भाई। इसके सेल्स फिगर है ना, वो बताते हैं कि गाड़ी कितनी बढ़िया है। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं गाड़ी के अंदर के फीचर्स। तो भाई अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर मिलते हैं आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, कुछ और बटन्स दे के रखे हैं। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, ऑटो डिम का ऑफर इसमें दे के रखा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे के रखा है टॉप एंड वेरियंट पे। यहाँ पर आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी फीचर के साथ में आता है भाई। यहाँ पर आपको ऑटो एसी दे के रखा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस कूलिंग का एक सिस्टम दे के रखा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से आप पूरी गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से कूल कर सकते हो। ये जो है सारे फीचर इसमें दे के रखे हैं जो भी ज़रूरी हो। ये है आपका बूट ओपन का सिस्टम, आपको आर्मरेस्ट भी दे के रखा है। हम इसको खोल के भी देख लेते हैं। देखिए इतनी जगह जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। और उसके बाद में आप इसको पीछे करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। देखिए मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा है, मतलब इतनी बढ़िया इसमें सिस्टम दे के रखा है। यहाँ पर हैंड ब्रेक, उसके ऊपर क्रोम की गार्निश, 3 मोड दे के रखे हैं भाई, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पर आपको एक 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, उसके साथ में एक USB की जगह भी मिल जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपको AC के वेंट्स दे के रखे हैं, जिसमें क्रोम की गार्निश है। ये देखिए आप भाई, यहाँ पर आपको अगर दिख रहे हो तो ट्राई एरो का पैटर्न व्हाइट कलर में बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऐसा एक सिरेमिक टाइप में आपको एक बढ़िया डिजाइन दे के रखा है कि इस गाड़ी में बैठने पर आपको लग्जरी सा फील होता है। ऐसे ही इसको टैंक नहीं कहा जाता है भाई। यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल जो है वो ORVM दे के रखे हैं। यहाँ पर आपको ये LED लाइट दे के रखी है। यहाँ पर आपको रूफ रेल के सिस्टम है। ये देखिए आप, रूफ रेल मैं बंद कर देता हूँ, ये खोल देता हूँ, ये खोल दी। बहुत ही स्मूथ सिस्टम है रूफ रेल का। यहाँ पर देखिए आप, बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई। या इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे इसको बंद कर सकते हैं और वापस इसको खोल भी सकते हैं। पूरा सिस्टम भाई बहुत बढ़िया रूफ रेल है। ये LED लाइट है यहाँ पर, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको ऑटो मोड पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हरमन का म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पर आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, Apple CarPlay मिल जाएगा, Android Auto मिल जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर के साथ में आता है। और इसकी आवाज़ तो भाई बहुत अच्छी है, मैंने खुद अपने पंच में उसको महसूस किया है। इसकी जो ध्वनि निकलती है ना, मज़ा आ जाता है भाई म्यूजिक सुनने का। छोटी छोटी चीज़ों पर इस गाड़ी में ध्यान दिया गया और बहुत बढ़िया बिकती है भाई ये गाड़ी। 3 लाख इसके पीस अब तक बिक चुके हैं SUV सेगमेंट में। इससे अच्छी गाड़ी कहीं नहीं है भाई। और इतनी मजबूत गाड़ी और टर्बो चार्ज इंजन के साथ में आती है, और क्या चाहिए। पावर भी भरपूर, मजबूती भी भरपूर, और सब कुछ जो आपको चाहिए इस गाड़ी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दे के रखे हैं ग्रैब हैंडल, जो चारों तरफ हैं, टॉप एंड वेरिएंट में भी मिलते हैं। देखिए आप, इस तरफ सिर्फ एक नहीं दे के रखा और इस पर जरूरत भी नहीं पड़ती है भाई। और यहाँ पर आपको दे के रखे हैं बाहर के जो RVM है उनको कंट्रोल करने के लिए बटन। ये पावर विंडो चारों, इसकी आपके लॉक पावर विंडो का है भाई, सेंसर दे के रखा है। यहाँ पर आप इसको टच करोगे ना तभी ये ओपन होगा। इसके चाबी के साथ में ही ये ओपन होगा, बिना चाबी के ये ओपन होगा नहीं। तो भाई ये चाबी है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। और ये लॉक करते ही आप देखिए, ये देखो अनलॉक करेंगे तो ये ऑटो जो है अनफोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही बंद करेंगे वापस फोल्ड हो जाएगा। ये ऑटो अनफोल्ड और फोल्ड बटन दे के रखा है। यहाँ पर बूट एक्सेस का बटन है और फॉलो मी। हाँ, अगर गेट खुला रहता है तो भी ये आवाज़ कर देगी आपको बंद करते वक्त कि भाई ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गेट खुला रख के रखा है। तो ये इसकी चाबी है और आप हमारे साथ में हैं, बताएंगे पूरी तरीके से इस गाड़ी के बारे में कि क्या फीचर इसमें मिलते हैं और क्या क्या इसमें खासियतें हैं। तो आप हमें बताइए कि ये कौन सा मॉडल है सर? ये नेक्सॉन XZ Plus HS। ओके सर, तो मतलब क्या खासियत क्या है इस गाड़ी में, क्यों लेना चाहिए इसको? रेटिंग 5 स्टार है। हाँ जी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 209 है। और ऑटो AC है, रेन सेंसिंग वाइपर है, क्रूज कंट्रोल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है, 3 ड्राइविंग मोड है। अच्छा, सिटी, इको, स्पोर्ट। ऑटो AC है, कुछ स्टार्ट बटन है, चारों पावर विंडो है, सेंट्रल लॉकिंग, बैक कैमरा, गियर AC, अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये कोल्ड ग्लव बॉक्स भी आपको मिल जाएगा और साथ में इल्यूमिनेटेड भी मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पर लाइट और ये टैबलेट स्टैंड भी यहाँ मिलते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है इसमें, आपको देख लीजिए आप, बहुत बड़ा है। एयर प्यूरिफाई एसी इसमें दे के रखा है। साहब बता रहे हैं कि एयर प्यूरिफाई एसी इसमें दे के रखा है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको पुश बटन मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड है वो भी, ताकि रात को आपको दिखाई दे। हमारा जो रिव्यू होगा ना उसमें हम अच्छी तरीके से आपको हर चीज दिखाएंगे। यहाँ पर आपको ये टाटा की जो सीट्स हैं वो मिल जाएंगी, सीट कवर लगे हुए इस पर नेक्सन की बैजिंग के साथ में। एप्पल एंड्रॉइड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रियर एसी वेंट्स कप होल्डर और रियर रेस्ट आर्म, अच्छा रियर आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा और कप होल्डर भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और ये सीट्स का कंफर्ट भी काफी ज्यादा है, आप देख लीजिए, एक उसके बाद भी इतनी जगह काफी रहती है। अगर हम बैठ भी जाते हैं ना अंदर, उसके बाद भी आप देखिए इतनी सारी जगह बाकी रहती है, आराम से फैल कर बैठ सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए जगह मिल जाएगी कप होल्डर की। उसके अलावा ये भी है सिस्टम, इसको आगे कर सकते हैं आप, यहाँ पर जगह मिल जाएगी काफी जगह, मतलब पूरी बोतल इसमें एक आ सकती है मेरे ख्याल से, एक लीटर की। तो यहाँ पर आपको ये क्रोम की गार्निश, ये हैंड ब्रेक के लिए, इसको कर देते हैं बंद। और ये आर्म रेस्ट जो है टाटा पंच में तो नहीं है पर नेक्सॉन में आपको दे के रखा है टॉप मॉडल के अंदर। यहाँ से भाई नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, आप देखिए गाड़ी में, इसीलिए इसको टैंक कहा जाता है। ये बहुत मजबूत गाड़ी है, जो ग्लोबल क्रैश टेस्ट है उसमें 5 स्टार इसने भी गेन किए हैं पंच के साथ साथ। पंच ने तो बाद में गेन किए, इसने पहले ही गेन कर लिए थे। उसके अलावा देखिए आप, ये पीछे पार्सल ट्रे दे के रखी है, बढ़िया क्वालिटी की है, मैंने तो बजा बजा के बताया अपने वीडियो में, इसको भी बजा रहा हूँ। यहाँ पर ये हेडरेस्ट जो हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जो कि टॉप एंड वेरिएंट पे ही मिलते हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। आगे वाले भी आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर भी रियर पावर विंडो का कंट्रोल, ये क्रोम की गार्निश के साथ में हैंडल, साइड लॉक, ट्विटर और स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाएगी आपको। तो ये था हमारा नेक्सॉन का रिव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय श्री राम।